हेलो स्टैंडर्ड थर्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हाउ आर यू? आप हाउस में रहो, स्टे सेफ, एंड बाहर जाते हो तो पुट अ मास्क एंड गो आउट। ओके, इट इज अनकंफर्टेबल मास्क लगाना, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नहीं लगाओगे तो आप ज्यादा अनकंफर्टेबल होगे। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। टुडे इज 8th August 2020 एंड द डे इज सैटरडे। अभी हमने क्या करना है, वी विल डू आर एक्सरसाइज। ओके, फ्रॉम द चैप्टर फूड वी ईट। अभी हमने ये चैप्टर किया है, इसमें हमने क्या क्या लर्न किया है। इस चैप्टर में हमने लर्न किया है कि वाई वी ईट फूड, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हमें फूड कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से, प्लांट्स से, कौन से टाइप के फूड्स होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, और हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आर टीथ, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आर माउथ, ताकि जब हम फूड खाते हैं सबसे पहले तो हमें अपने टीथ से च्यू करने होते हैं, सो वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आर टीथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑन द पेज नंबर 15, डी नंबर एक्सरसाइज। ओके, टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। अभी इसमें से हमने देखना है कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड है। ए एग, बी फ्रूट, सी पोटैटो। तो आंसर इज करेक्ट, एग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड होते हैं जो हमें डिजीजेस से बचाते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो कौन से वो फूड है? फ्रूट, बटर, मिल्क। तो हमें प्रोटेक्टिव फूड कौन सा है? यस, फ्रूट। दिस इज एन एनर्जी गिविंग फूड। अभी एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है हम देखते हैं? शुगर, स्पिनच, मीट। ठीक है, तो अभी इसमें से एनर्जी गिविंग फूड जो हम खाएंगे तो हमको एकदम से इंस्टेंटली वील गेट एनर्जी टू वर्क मोर इज शुगर। वी गेट इट फ्रॉम एनिमल्स। ये कौन सा फूड है जो हमें एनिमल्स से मिलता है? मैंगो, नो, ए मैंगो ग्रोज ऑन ट्री। एग, कैबेज, कैबेज इज अ वेजिटेबल। तो आंसर इज यस, करेक्ट, एग। इट इज अ स्पाइस। स्पाइस मतलब मसाला। ठीक है, जैसे आप हल्दी, नमक ऐसे यूज करते हो, दीज आर ऑल स्पाइसेस। ए ब्रिंजल, बी क्यूमिन सीड्स, सी वॉलनट। ब्रिंजल तो वेजिटेबल है, वॉलनट ड्राई फ्रूट है, वॉलनट, और कौन सा रह गया? क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड मतलब जीरा, हम डालते हैं सब्जी में, तो हमारा आंसर इज क्यूमिन। नेक्स्ट, यू नीड टू च्यू दिस फूड। अभी सारे ही फूड हम च्यू करते हैं, कई बार हम स्वॉलो कर लेते हैं, जैसे जूस है, मिल्क है, वाटर है, उसको तो हमें अपने टीथ से च्यू करने की, चबाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से कौन सा वो फूड है जो हमें च्यू करना पड़ता है? मिल्क, नो, जूस, नो, एप्पल, यस। एप्पल हमको बाइट करके, च्यू करके ईट करना पड़ता है, सो द आंसर इज एप्पल। ठीक है, आप ये एक्सरसाइज जो है वो अपने बुक में करो और आंसर्स अच्छे से पढ़ो, आप ये जो क्वेश्चन है समझो। ठीक है, और अच्छे से समझ के फिर आप आंसर्स उसके मार्क करो। ओके, थैंक यू।